पहले तो हम थैंक्स कहेंगे हम अपने खुर्शीद सर का जो इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और कहीं ना कहीं जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो ये चीजें आएगी और ये जो डायलॉग प्रोग्राम है आपका एडवांटेज और जो ये एक सोच है कि हम सबसे मिलकर एक कॉमन डिस्कस पे पहुंचे उससे कहीं ना कहीं कही एक नतीजा निकलेगा हम लोग से एक गलती हुई बहुत पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इंजीनियरों के लिए आईआईटी बनाया आई बनाया एम्स बनाया अच्छे डॉक्टर निकले अच्छे मैनेजमेंट निकले आई से आई हो आई हो या एम्स हो वहाँ कोई ना कोई पढ़ा रहा है कोई टीचर है इंडियन टीचिंग सर्विस नहीं बनाया हम लोगों ने जैसे एक आई है उसी तरह से एक इतना टफ एग्जाम होना चाहिए कि जैसे लोग अभी कहते ना कि बापरे आई ए का जवाब है उस तरह से उससे भी टफ एक एग्जाम एक होना चाहिए टीचिंग इज ए प्रोफेशन विच टीच एवरी प्रोफेशन कि अगर हमारे पास कितना भी स्वादिष्ट खाना रह जाए अगर हम उसको कलछुल से उठा के खाएंगे तो मुंह में नहीं जाएगा तो वही होना चाहिए टीचर के पास आप कितना जानते हैं इससे मतलब नहीं है आप उसे कितना छोटा टुकड़े बना के बच्चे को दे देते हैं कि उसे इंटरेस्ट समझ में आ जाए यहाँ पर बहुत बाँ, बाँ हमारी विद्वता देखने थोड़ी आया स्टूडेंट उसे लगना चाहिए यार ये या टीचर नहीं मेरा दोस्त है हम लोग बड़ा कॉमन शब्द ले लेते हैं पढ़ाई एजुकेशन बट ये इसमें बहुत सारे फिल्टर्ड हैं अब जैसे बुखार है कई किस्म का बुखार है टाइफाइड है मलेरिया का है कोरोना का है अब उसका एक सिंगल दवा सोचिएगा कि एक ही इंजेक्शन मारे सब बुखार दूर हो जाए तब तो होने वाला नहीं अब एजुकेशन की जब बात करते हैं तो स्कूलिंग एजुकेशन अलग है उसकी स्ट्रेटजी कंप्लीट अलग है अरे आप लोग उसको स्कूल से पढ़ाएं उसको जब आप कहिएगा ना बच्चा सी लिखो ऐसे तो लिख देगा इसे एक जगह तक ले आके फिर आप लोग हम लोग को देते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं यहाँ कौन बच्चे जाते हैं जिसको आप जैसे टीचर आप जैसे प्रिंसिपल ने स्कूलिंग में इतना मजबूत किया इतना मजबूत किया कि लाखों का कंपटीशन पार करके वहां चला गया और नाम हो जाता है कि आई एम अच्छा है आईआईटी अच्छा है एम्स अच्छा है एक्चुअल में यहां पर अच्छे स्टूडेंट गए थे वरना बिना एंट्रेंस लेके देख ले यहाँ पे, वहां पे भी हालत ख़राब हो जाएगा <laughs>